बैटरी से चलने वाली साइकिल पर लिया गया एक्शन, पुलिस ने जारी किया नोटिस। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में इन दिनों बैटरी से चलने वाली साइकिल छोटे बच्चे सड़कों पर लेकर बेतहाशा घूम रहे हैं और इसकी खबर भी हमने दिखाई थी, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड ने इस पर एक्शन लिया और आज कई साइकिल जमा भी कर लिया गया था। 100 रुपये में 30 मिनट ये साइकिल भाड़े पर मिल रही है। ये साइकिल उले प्राइवेट की है और उले प्राइवेट मैनेजर को इसी संदर्भ में मुंब्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और नोटिस भी दी गई। पुलिस ने बताया कि ये साइकिल बड़े लोगों के लिए है, मगर छोटे बच्चे मुंब्रा शहर में चला रहे हैं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड ने इस पर क्या जानकारी दी है, सुनिए। कुछ दिनों से मुंब्रा परिसर में यूलू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ उन्होंने उनके मैनेजर मंथन येता नहीं करके तो उन्होंने कुछ साइकिल बैटरी पे चलने वाली टू व्हीलर यहाँ दी थी। एक्चुअली वो बड़े के नाम पर दी थी, लेकिन यहाँ वो छोटे छोटे बच्चे उनको चला रहे थे, तो हमने आज उनको बुला के उनको वार्निंग किया हुआ है और वो स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने को बोला है। लॉकडाउन में छोटे छोटे बच्चे बाहर आके वो गाड़ियाँ चला रहे थे, तो इसीलिए हमने जो एजेंसी है उनके मैनेजर को बुला के यहाँ उनको नोटिस दिया हुआ है और वो बच्चे कोई बच्चे लॉकडाउन में गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। और वो हाईवे पे भी जाते थे, कोई अगर एक्सीडेंट हो गया कोई होगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा? ये बच्चों को कंट्रोल करना गार्डियन का काम है, जो उनके पालक है उनका काम है, तो उन्होंने वो करना चाहिए। इसलिए हमने मैनेजर को अभी उसके स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने को बोला है बस। और कुछ एज नहीं, एज नहीं, उसमें क्या वो 50cc के अंदर की ये है गाड़ी है तो नियर अबाउट 16 ईयर्स तो उसको ये है, लेकिन उसका 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, तो वो छोटे बच्चे चला रहे इसलिए हमने उनको नोटिस दिया हुआ है। ये बात सही है ना, फिर वो बिजनेस है उनका कंपनी का। नहीं, बच्चे चलाते हुए मिलेंगे रोड पे तो हम उनके पिताजी के ऊपर या जिसने गाड़ी लिया है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।